अरे कपड़े धूप में किससे पूछकर सुखा रहे हो? तुम्हारे बाप की धूप है क्या? धूप चोर कहीं के, शर्म नहीं आती? गरीब मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हो, हुकूमत को लूट रहे हो। अरे साहब, पूरी दुनिया के लोग कपड़े धूप पर ही सुखाते हैं, इसमें चोरी कैसी? जल्दी से अपने कपड़े उतारो। क्यों साहब, मुझे बगैर कपड़ों के देखना चाहते हो? अरे जो तार पर सुखाने के लिए लटकाए हुए हैं वो उतारो, अगर नहीं तो खर्चा पानी दो और अपनी जान छुड़ाओ। तुम्हें तो मैंने धूप चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है, अगर जेल में डाल दिया ना तो सड़ते रहोगे पूरी उम्र, तुम्हारी लाश निकलेगी वहाँ से, धूप चोर कहीं के। अरे साहब चोरी कैसी? अरे धूप पर हुकूमत ने टैक्स लगा दिया है, अब धूप पर कपड़े सुखाने का बिल आएगा। हाँ लेकिन साहब, हमने तो सुना है कि हुकूमत ने सोलर सिस्टम पर टैक्स लगाया है। अरे सोलर सिस्टम क्या पानी पर चलता है? नहीं साहब, सोलर सिस्टम तो धूप पर ही चलता है। तो टैक्स किस पर लगा? साहब सोलर सिस्टम पर। अरे धूप पर लगा ना, मुझे पागल समझ रखा है क्या, धूप चोर कहीं के? धूप को सरकार ने अपनी तहवील में ले लिया है, खबरदार जो मुफ्त में धूप इस्तेमाल की। अब सोच क्या रहे हो, उतारो कपड़े। साहब मैं सोच ये रहा हूँ कि कैसे कैसे टैक्स लगा रही है हुकूमत हम आवाम पर। रेडियो हमारे बाप दादा सुनते थे और उसका टैक्स अब हम अदा कर रहे हैं। पीटीवी हम देखते नहीं, उसका टैक्स भी देना पड़ता है। बिजली का मीटर अपने पैसों से खरीदा और लगाया अपने घर की दीवार पर, लेकिन उसका किराया टैक्स की सूरत में देना पड़ता है। बिजली आने का टैक्स, बिजली जाने का टैक्स। अरे साहब हम कौन कौन से टैक्स अदा करें? और जो IMF का कर्जा लेकर खा गए हो, वो कर्जा कौन उतारेगा? अभी तो सांस लेने पर भी टैक्स लगेगा। मुफ्त में ऑक्सीजन गैस इस्तेमाल कर रहे हो, अपने बाप का माल समझ रखा है क्या? तुम लोगों पर तो ऑक्सीजन गैस की चोरी का केस भी बन सकता है, सीधे जेल के अंदर जाओगे। अरे साहब ये क्या बात हुई, जुबान लड़ाते हो कानून से। अरे कानून साहब, लेकिन कल को अगर हुकूमत कहेगी कि आसमान पर बादल आ गए हैं उसका टैक्स दो, बारिश हो रही है उसका टैक्स दो, तो हम अब क्या बादलों और बारिशों का टैक्स भी तो देंगे? बादल और बारिश तुम्हारे बाप के हैं क्या? अगर बादल इस मुल्क के ऊपर आए तो वो भी इस हुकूमत की मिल्कियत हुई ना, आवाम को उसका टैक्स देना पड़ेगा, और अगर बारिश हुई तो बारिश का टैक्स भी देना पड़ेगा। बादलों और बारिशों के बाप का मुल्क है क्या ये? हाँ? ये जो गलियों में धूल उड़ रही होती है ना, जो तुम्हारे मुंह में चली जाती है, इसका टैक्स भी देना होगा। मिट्टी मुफ्त की नहीं है, 76 सालों से मुफ्त खाए जा रहे हो। उतारो अपने कपड़े, धूप को मुफ्त का माल समझ रखा है। याद रखो, जो भी धूप का टैक्स नहीं देगा उसके घर के ऊपर सूरज निकलना बंद हो जाएगा। और हाँ, ये जो बिजली की तारों पर परिंदे बैठते हैं ना, उन्हें भी बता दो कि बिजली के तारों पर अगर बैठे तो उसका टैक्स देना होगा। सरकार परिंदों को बिजली के तारों पर बैठने का बिल भेजेगी। हाँ? टट्टी करने कितने बार जाते हो? बस एक बार जाता हूँ, और अगर पेट खराब हो तो कभी कभी 3-4 बार भी जाना पड़ता है। अपना पेट किसी अच्छे मिस्त्री से बनवा लो, अगर दिन में टट्टी एक बार से ज्यादा आई तो उस पर भी टैक्स लगेगा। हाँ, एक बार टट्टी करने पर पेशाब मुफ्त कर सकते। ठीक है कानून साहब, लेकिन पाद और फूसी का भी बता दीजिए। पाद और फूसी गिन गिन के मारा करो, अगर मिकदार ज्यादा हुई तो टैक्स लगेगा। धूप चोर कहीं के, तुम जैसे लोगों ने मुल्क को लूट लूट कर भिखारी बना दिया है। अब ये मुल्क मजीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, हर चीज को अपने बाप का माल समझ रखा है। अब कानून हरकत में आ गया है, अब ऐसा नहीं चलेगा। हाँ? देखो, मुर्दा लोगों के डेथ सर्टिफिकेट बिल्कुल मुफ्त बनवा सकते हो, और क्या करे हुकूमत इस आवाम के लिए? देखो हुकूमत को कितनी फिक्र है इस आवाम की। अरे हुक्मरान मुल्क की सड़कें बंद करवा कर 100-100 बड़ी और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों की कतारें बनाकर दिन रात मगरिब से मशरिक और शुमाल से जुनूब के चक्कर लगा रहे होते हैं। किसके लिए? आप आवाम के लिए तंदूर पर रोटियां लगवा रहे हैं, इतनी फिक्र है हुकूमत को इस आवाम की? इस हुकूमत के किस किस भलाई से मुंह फेरोगे साले धूप चोरों।